all the way from a small village in Haryana called Kandra to Tokyo in Japan. And to tell us all about it, he's here with us, our golden boy. Ladies and gentlemen, let's welcome Neeraj Chopra. Thank you, sir. So Neeraj, ye jo desh hai hamara, आपके गांव में, फॉर एग्जाम्पल खंडरा गांव में या हरियाणा में या पूरा इंडिया में सब लोग क्रिकेट क्रेजी हैं, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसे सेटिंग में आपने जैवलिन कैसे चूज किया? ये बात सोचता हूँ कि कैसे चूज किया, क्योंकि गांव में तो जब खेलते थे क्रिकेट या वॉली कभी भी, तो पता नहीं था जैवलिन के बारे में. स्टेडियम में गया था फिटनेस के लिए, तो वहां पे भी सभी स्पोर्ट थे, एथलेटिक्स में भी सभी गेम थे, लेकिन जेवलिन थ्रो ही मुझे अच्छा लगा. पर हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की जेवलिन की, तो वो जो मैं डेली ट्रेनिंग करता था वो बड़े मैं मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, और पूरा अपना 100% जो है मैं उसी दिन से मैं देता आ रहा हूँ ट्रेनिंग में. उसके लिए मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. ओके, तो यूट्यूब एक किस्म से आपका क्लासरूम बन गया और आप स्टूडेंट बन गए. बिल्कुल हाँ, एक तरीके से, क्योंकि सभी वीडियोज जो जेवलिन के होते थे उस टाइम पे तो यूट्यूब पे होते थे, बार बार रिपीट करके उन्हीं वीडियोस को देखता रहता था, तो काफी अच्छा लगता था. ज्यादातर मैं जेंजलाजनी की वीडियोस फॉलो करता था, क्योंकि उनकी टेक्निक मुझे काफी पसंद थी. अभी भी उनकी टेक्निक मुझे, अगर जेवलिन वर्ल्ड में बात करें, तो सबसे बेस्ट लगती है. तो नीरज, आपका इतना डीप कनेक्शन है यूट्यूब के साथ, तो आगे चल के कोई प्लान्स हैं यूट्यूब पे? हमें भी यही लगता है कि जैसे आपने उन लोगों के वीडियोस देखे, उन चैंपियंस के वीडियो, तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग अभी आपके वीडियोस देखना चाहेंगे और आपका टेक्निक वो सीखना चाहेंगे, राइट? बिल्कुल जी. इनफैक्ट आज मैं अपना यूट्यूब चैनल और साथ में यूट्यूब शॉर्ट्स है जो, उन पे एक फिटनेस चैलेंज भी बनाऊंगा, और बहुत मजा आएगा सभी के साथ फिटनेस चैलेंज में. और जितना भी आज तक मैंने यूट्यूब वीडियोस से सीखा है, कोशिश करूंगा कि जो मेरे चाहने वाले हैं तो अपनी वीडियोस से उनको मैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, कुछ अपने बारे में कुछ ऐसा बता सकूं. Awesome, very nice. और यही एडवाइस आप आज के नए जनरेशन जो है वहाँ पे, यानी कि जेन ज़ी जो कहते हैं हम जी, उन्हीं को भी आप यही एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ. उसमें मैं सिर्फ एथलीट्स की बात नहीं कर रहा, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, मैं बस ये कहूंगा कि आप को जो काम पसंद है, जो जिसमें आपका पैशन है, तो वो आप पूरे मन से करो, और उस पे चाहे कितनी भी दिक्कतें आए स्टार्टिंग में, उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए. Awesome. अब थोड़ा मूड को हल्का करते हैं, तो नीरज, अब थोड़ा रैपिड फायर हो जाए जी. आपका फेवरेट मूवी स्टार? काफी मल्टी टैलेंटेड लगते हैं रणदीप हुड्डा. आपका फेवरेट यूट्यूब पे गाना? कई बार हम रिपीट पे चला देते हैं बब्बू माने गाने, तो वो काफी अच्छे लगते हैं. आपका फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर? कम देख पाता हूँ, लेकिन हाँ काफी वीडियोस फनी लगती हैं, ललित सोकिन की. स्लीपिंग वर्सेस प्रैक्टिस? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस वर्सेस वॉचिंग अ मूवी? प्रैक्टिस. पर आपके गोल्ड मेडल से अलावा आपको ऐसा कौन सा चीज है जिसपे और ज्यादा लगाव है? अभी अभी मैंने गाड़ी ली है, मस्टैंग, तो काफी अच्छी लगती है. और आप अब ये सोचिए कि अगर आप जैवलिन चैंपियन ना होते तो किस प्रोफेशन में होते? Okay, तो मुझे फोटोग्राफी काफी पसंद है शुरू से ही. तो जैसे जैसे आपके ये मेडल्स आने लगे, आप प्रतियोगिता में पार्ट ले रहे थे एक्सेट्रा, तो आप क्या स्टडी कर रहे थे फिर वीडियोस में? जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, आप क्या देखते जा रहे थे वीडियोस में? मतलब वही, वैसे तो मेरे साथ टीम थी पूरी, कुछ भी अगर हमको सर्च करना है, वीडियोस देखने हैं, तो सबसे इजी रास्ता है यूट्यूब का, तो हम उस पर सर्च करते थे. कुछ भी अगर मुझे शोल्डर की कोई एक्सरसाइज देखनी है, एल्बो की एक्सरसाइज देखनी है, तो मैं उस पर सर्च करके वो देख सकते थे, ट्रेनिंग में उसको यूज कर सकते थे. ओके, क्यों ना हम ये करते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग यहीं पे कर लेते हैं, तो आपको भी शायद मदद मिलेगी जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप में. ओके, काफी हल्का एक्चुअली. हाँ, 800 ग्राम. ओके, कम ऑन, लेट्स डू दिस. थोड़ा दिखा दीजिए कैसे, मतलब शोल्डर पर पोजीशन भी अगर मैं देख लूं तो. बेसिकली ये मैं ग्रिप यूज करता हूँ. Okay. ये हथेली है ना, इसके बीच में रहेगा ग्रिप यहाँ पे, और ये हाथ पूरा सीधा रहेगा. ओके, okay. एक बार आप भी करके देखो. हाँ ठीक है, आई थिंक नेचुरली आ जाना चाहिए. हाँ. सो लेट्स डू दिस. ओके, और फिर 1, 2, 3. 88. Thank you so much, Neeraj, and wish you all the best for 2022. So many championships that you will win and make us proud. Thank you so much.